उमरिया में नागरिकों को लॉकडाउन 3 की जरा छूट क्या मिली। शहर की गलियों में बगैर मास्क ही बाइक सवार फर्राटा भरने लगे। फिलहाल उमरिया जिला ग्रीन जोन में है, इसलिए लॉकडाउन में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक की छूट दी गई है। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व फर्राटा भरती बाइकों के लिए आज पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा शहर भर से आ रही लॉकडाउन की शिकायत के बाद अपनी टीम SDOP कृष्ण कुमार पांडे, कोतवाली नगर निरीक्षक वर्षा पटेल और ट्रैफिक सूबेदार अमित विश्वकर्मा सहित दल बल के साथ शहर का निरीक्षण करने निकल पड़े। कई दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था तो कईयों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। वहीं नगर की सड़कों पर बगैर मास्क ही बाइक पर सवार लोग घूम रहे थे, जिनकी बाइक एक दिन के लिए जब्त कर ली गई। सुबह 11 बजे से उनके दल बल समेत वाहन का काफिला नगर के चौक चौराहे से होकर नगर के कई वार्डों में भी जा पहुंचा। वहीं इस दौरान लगातार सचिन शर्मा नागरिकों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए अनिवार्यता पालन करने की भी अपील की है। जिन मोटरसाइकिल चालकों द्वारा मास्क लगाकर लॉकडाउन 3 का उल्लंघन किया जा रहा था, उनकी मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया, जिसे एक दिन बगैर चालान के छोड़ दिया जाएगा। इसके पीछे की वजह थी उनकी अगले ठिकाने आ सके, वे अनिवार्यता मास्क लगाकर सफर तय करें। SP सचिन ने चालकों को यह भी कहा कि आज पैदल चले जाओ और कल मास्क लगाकर आना और अपनी बाइक लेकर जाना। वहीं लॉकडाउन की छूट में लगातार अनियमितताएं बरती जा रही थीं। जिन दुकानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा था, उनके खिलाफ सख्ती बरतते हुए दुकानदारों को कड़े निर्देश दिए गए और पुनः उल्लंघन करने पर सीधे FIR दर्ज करने की बात कही। बिना मास्क के चल रहे हैं, उनके एहतियातन तौर पे आज बाइक रखी गई है और कल से छोड़ दिया गया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV24 समाचार और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम हर खबर पहुंचा सकें आप तक।